नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो देख सकते हैं आज मेरे पास एक मॉनिटर आया है। हालांकि मैंने मॉनिटर को ऑलरेडी खोल के रखे हैं। ये HCL का मॉनिटर है और इसमें जो प्रॉब्लम है ये नो पावर कंडीशन में आया है मेरे पास ये मॉनिटर। और इसका जो प्रॉब्लम है ये इसका जो SMPS का जो बोर्ड है इसी इसी में प्रॉब्लम है। तो मैंने इस टाइप का काम पहले बहुत कर चुका हूँ, तो मैंने सोचा आज इसका एक वीडियो बना लेते हैं ताकि आप लोगों को भी कुछ मदद मिल सके। तो चलिए इसमें हम पहले पावर देके चेक करके दिखाते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें पावर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम पहले इसको इसका जो कॉर्ड है AC कॉर्ड हम यहाँ पे लगा देते हैं। देखिए यहाँ पे AC कॉर्ड मैंने लगा दिए, अभी इसका पावर देंगे। देख सकते हैं मैंने पावर दे दिया। अभी इधर से इसका जो पावर का जो LED है यहाँ पे ये ग्लो होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे इसका पावर का LED ग्लो नहीं हो रहा है। तो फिलहाल अब लोग मैं वोल्टेज भी दिखा देता हूँ। देखिए देखिए इसका वोल्टेज AC में हम दिखा देते हैं, ताकि नहीं तो आप लोग बताएंगे कि इसका अपने सप्लाई बंद करके रखे हैं। इधर ध्यान मल्टीमीटर पे ध्यान दीजिए। देखिए अभी हम 600 वोल्ट AC पे सेट करके रखे हैं। अभी हम दिखाते हैं कि इसमें आ रहा है कि नहीं। तो देख सकते हैं 230 वोल्ट आ रहा है, मतलब इस पे सप्लाई दिया है, लेकिन फिर भी ये जो मॉनिटर है ये ऑन नहीं हो रहा है। तो कहाँ से क्या प्रॉब्लम है पहले एक एक बारीक से चेक करके आप लोगों को दिखाएंगे। अभी फिलहाल इसको बंद कर देते हैं, उसको खोल देते हैं और इसका कनेक्टर भी यहाँ से निकाल देते हैं। तो इसका जो मेन प्रॉब्लम है यहाँ पे ये SMPS का ही प्रॉब्लम है। और इससे पहले इसका जो कैपेसिटर लगा हुआ है इसको हम पहले डिस्चार्ज कर देंगे। तो इसको हम डिस्चार्ज कर दिए हैं, अभी हम एक एक करके इसको चेक करके दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पे इसका इनपुट हो रहा है, यहाँ पे एक थर्मिस्टर लगा हुआ है, इस साइड भी एक फ्यूज है और यहाँ पे एक पोलिस्टर बॉक्स कैपेसिटर लगा हुआ है। उसके बाद ये कॉइल पे आ रहा है, कॉइल पे होकर ये डायोड पे जा रहा है। डायोड पे जाने के बाद ये कैपेसिटर मेन फिल्टर जो है इस पे आ रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो एक मॉस्फेट लगा हुआ है ये मॉस्फेट पे ये जा रहा है लाइन। उसके बाद ये इस कॉइल पे आके इधर आउट हो रहा है। तो एक एक करके हम पहले चेक करके दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए डायोड मोड में सेट कर लिए हैं। यहाँ पे देखिए एक ये जो फ्यूज है, फ्यूज को हम पहले चेक करेंगे, फ्यूज मेरा सही है। उसके बाद ये थर्मिस्टर पर चेक करेंगे, ये भी सही है, ठीक है। और उसके बाद देखिए कहाँ पे ये आ रहा है, उसके बाद ये आ रहा है आपका ये कॉइल पे। तो कॉइल पे भी हम चेक करके देख लेते हैं। देखिए कॉइल पे भी आ रहा है और यहाँ पे हमारा जो डायोड है ये 4 पिन का डायोड लगा हुआ है। तो 4 पिन का डायोड भी हम चेक करके दिखा देते हैं। देखिए इस साइड इसका पॉजिटिव है, इस साइड इसका नेगेटिव है। देखिए नहीं आ रहा है कोई बीप। इधर से देखिए 542। एक एक करके चेक करके देख लेते हैं। देखिए डायोड भी मेरा सही है और ये अभी उसके बाद हम कैपेसिटर पर चेक करेंगे। देखिए कैपेसिटर भी मेरा सही है। उसके बाद कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे देखिए एक रजिस्टर लगा हुआ है, ये रजिस्टर इसका यहाँ से इसका जो पॉजिटिव है ये इस साइड पे आ रहा है और इसका जो नेगेटिव है ये सीधा जा रहा है। तो उसके बाद जा रहा है आपका ये मॉस्फेट जो लगा हुआ है। ज़्यादातर इस बोर्ड में क्या प्रॉब्लम होता है, आपका फ्यूज़ ख़राब होता है, या तो फिर मॉस्फेट ख़राब होता है, या तो फिर आउटपुट में डायोड ख़राब होता है, या तो फिर इनपुट में जो डायोड लगा हुआ है ये ख़राब होता है। तो चलिए हम एक एक करके यहाँ तो हमने चेक कर लिए हैं, अभी इसको मॉस्फेट को चेक करेंगे एक बार। देखिए मॉस्फेट का ये जो पिन है एक कटिंग के इस साइड में है, देखिए इस साइड में, और ये दो दो साइड में दो। तो हम दिखाते हैं यहाँ पे एक पिन है कनेक्ट। देखिए तो मॉस्फेट भी मेरा सही है। अभी मॉस्फेट के बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे जो डायोड लगा हुआ है स्कॉट की डायोड आउटपुट में, तो स्कॉट की जो डायोड है इसको हम चेक करेंगे एक एक करके। पहले इधर से चेक कर लेते हैं। ये भी डायोड सही है।
लगा हुआ है। उसके बाद ये डायोड है, अभी देखिए इस डायोड में बीप आना चालू हो गया है, मतलब ये जो डायोड है ये फुल्ली शॉर्टेड है, देख सकते हैं 0 0 ओम्स आ रहा है। देखिए मल्टीमीटर पे ये 0 0 ओम्स आ रहा है और कंटिन्यू ये बीप आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, पहले इस डायोड को निकालेंगे यहाँ से, उसके बाद इसका जो बोर्ड पे शॉर्ट चेक करेंगे, डायोड निकलने के बाद ये शॉर्ट मेरा हट रहा है कि नहीं। तो हम इसका जो मल्टीमीटर है इसको साइड कर देते हैं और ये डायोड को हम पहले खोलते हैं। देखिए कोई काम भी नहीं हुआ है, देख सकते हैं सोल्डर वगैरह कुछ नहीं लगा है हुआ है इसके ऊपर, ये फर्स्ट टाइम काम हो रहा है इस बोर्ड में। तो हम दिखाते हैं, दोनों साइड पे आपको अच्छे से सोल्डर लगा लेना है ताकि इसको खोलने में ये आसानी होगी। देखिए सोल्डर लगा दिए हैं, अभी ऐसा नहीं कि डायोड ही ख़राब है, उसके बाद और भी आगे इसका जो कैपेसिटर लगा हुआ है ये भी ख़राब हो सकता है। तो एक एक करके सारे कुछ चेक करके देखना होगा। पहले हम ये जो डायोड मुझे शॉर्टिंग दिखा है इसको हम पहले निकाल देते हैं, खोल के भी चेक करेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या हो रहा है कि नहीं। तो देखिए ये जो डायोड था ये मैंने डायोड निकाल दिया, अभी बोर्ड पे शॉर्टिंग चेक करेंगे कि शॉर्टिंग हटा कि नहीं। इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं इधर से, अभी पहले इसका जो डायोड है डायोड को चेक करके दिखाते हैं। देखिए ये फुल्ली शॉर्ट है, ये फुल्ली शॉर्ट बता रहा है, और अभी ये तो हमने डायोड जो है ये शॉर्ट है, अभी बोर्ड पे चेक करके दिखाते हैं इसके चेंज, इसको निकलने के बाद ये शॉर्ट हटा कि नहीं। तो देखिए देखिए जो शॉर्ट था ये निकल गया है, शायद इसी की वजह से जो मॉनिटर है ये चालू नहीं हो रहा था। अभी देखिए इसके बाद ये डायोड लगा हुआ है, दो सॉरी कैपेसिटर लगा हुआ है, इसको भी हम चेक करके देख लेते हैं, ये भी शॉर्ट नहीं है, ये भी शॉर्ट नहीं है। तो क्या करेंगे, ये तो डायोड ख़राब है, हम देखते हैं मेरे पास कौन सा डायोड है। को बॉक्स हमने इधर रख दिए हैं, इसका जो नंबर है इसको हम इसका नंबर भी दिखा देते हैं। देखिए SR515, देखिए शायद दिख नहीं रहा है, SR515 है ये, और ये 5 एम्पियर क्या है, और ये 100 वोल्ट के आसपास होगा शायद, मेरे को देखना पड़ेगा। और मेरे पास जो है SR560, ये भी 5 एम्पीयर का ही स्क्वाट की डायोड है, हालांकि इसका वोल्टेज का लोड थोड़ा सा कम है, लेकिन हम इसको चेक करेंगे, अगर कुछ प्रॉब्लम आएगा तो हम इसको बदल के उसका जो जो था एसआर उसी को हम लगा देंगे, SR515 को। ये आपका 5 एम्पीयर 100 वोल्ट के आसपास होगा, और ये जो है ये भी 5 एम्पीयर का ही है, ये 16 17 वोल्ट के आसपास होगा। तो हम इसको पहले लगा के देखते हैं, तो चलिए फिलहाल इसको हम लगाते हैं यहाँ पे। ये मैंने जितना सारा मेरे पास ये डायोड है ये मैंने सारे स्क्रैप से निकाल के रखे हैं ताकि SMPS रिपेयरिंग करने में आसानी होगी। मेरे पास बहुत सारा स्क्रैप का डायोड पड़ा हुआ है, अभी तक स्क्रैप से हम निकाल के रखे हैं। तो अभी हम फिलहाल इसको लगाते हैं यहाँ पे, इसको
तो देख सकते हैं यहाँ पे जो डायोड को हम चेंजेस करके लगा दिए हैं। अभी क्या करेंगे, अभी इस पर डायरेक्ट तो हम अभी अब सप्लाई नहीं देंगे, इसको सीरीज में पहले चेक करके दिखाते हैं। तो सीरीज में चेक करने के पहले मुझे यहाँ पे जो फ्यूज है इसको निकाल देना है। हम यहाँ पे सीरीज में जोड़ेंगे इसको। देखिए यहाँ पे जो इसका फ्यूज लगा हुआ है, पहले हम बताए थे आप लोगों को, इसको हम खोल देते हैं। देखिए फ्यूज को हम निकाल दिए हैं। अभी यहाँ पे सीरीज का जो लैंप है इसको हम जोड़ देंगे। 100 वाट का बल्ब है मेरे पास, सीरीज भी यहाँ पे लगाएंगे क्योंकि मेरे पास सीरीज बोर्ड नहीं है अभी भी फिलहाल। देखिए ये जो फ्यूज था इसको हम निकाल करके यहाँ पे 100 वाट का बल्ब के साथ सीरीज में जोड़ दिए हैं। अभी इसको हम ऐसे ही रखेंगे। अभी इसका जो वोल्टेज है, देखिए इसका 1-2 पिन, इसका VCC 5 वोल्ट है, ग्राउंड है, ऑन ऑफ है, डीम है, इसका वॉल्यूम का कनेक्शन है, म्यूट है, और ये NC है। तो इस पर हम दोबारा सब इसको लगाएंगे यहाँ पे। लगा दिए हैं। अभी इसका जो AC का कनेक्टर है इसको भी लगाते हैं। और अभी यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, अभी सप्लाई दे दिए हैं। देखिए सप्लाई आ चुका है। अभी फिलहाल इसको वोल्टेज चेक करेंगे। 24 DC पे सेट करते हैं और यहाँ पे इसका नेगेटिव मिलेगा। और देखिए मल्टीमीटर पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसका 5 वोल्ट आउटपुट हो रहा है कि नहीं। तो देखिए इसका 5 वोल्ट, सॉरी प्रॉप मैंने लगा दी थी पॉजिटिव और नेगेटिव गलत। अभी देखिए इसका 5 वोल्ट प्रॉपर आ रहा है, मतलब हमारा जो ये SMPS का बोर्ड था मॉनिटर का, ये 100% रिपेयर हो चुका है। अभी इसको बंद करते हैं फिलहाल दोबारा। अभी इसका जो लॉजिक बोर्ड है इस पर सप्लाई देके चेक करके देखते हैं हो रहा है कि नहीं। तो देखिए इसको लगाने से पहले ये लाइट आ गया था क्योंकि इसका कैपेसिटर में चार्ज था। अभी देखिए यहाँ पे अभी इसको फिलहाल पावर का दे दिया। अभी देखिए इधर ग्लो हो चुका है लाइट, देखते हैं ऑन ऑफ हो रहा है कि नहीं। देखिए ये ऑफ हो गया। देखिए ये स्टैंड बाई मोड में है। अभी इसको स्टैंड बाई से रिलीज करते हैं, ये ग्लो हो गया है। तो गाइज अभी हम इसका जो मॉनिटर का जो डिस्प्ले है, मॉनिटर को डिस्प्ले पे लगा के चेक करके दिखाते हैं। तो पहले हम इसको दोबारा बंद करके साइड कर देते हैं, अभी मॉनिटर पे लगा के दिखाते हैं आगे। तो देख सकते हैं हमने फाइनली लगा दिए हैं इसको। अभी इस पर पावर देके चेक करके फाइनली दिखाते हैं। देख सकते हैं पावर दे दिया। अभी इस पर LED ग्लो हो चुका है। अभी इस पर डिस्प्ले भी आ जाएंगे। देखिए ये नो सिग्नल आ रहा है। अभी ये स्टैंड मोड में चला गया है। फिर से दोबारा इसको ऑन करते हैं। ऑफ हो गया शायद, ऑन करते हैं। देखिए अभी ये नो सिग्नल डिस्प्ले आ चुका है। तो थैंक यू गाइस, वीडियो कैसा था कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं तो प्लीज़ जाके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। थैंक यू।